नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फ्लैश फेरी फीली। मैं हूँ स्नेहल। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि चॉकलेट मेल्ट किस तरह से करना है। चॉकलेट मेल्ट करने से पहले चॉकलेट को इस तरह से बारीक कट कर लेना चाहिए, मेल्ट होने में आसानी हो जाएगी। और चॉकलेट मेल्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, माइक्रोवेव पे 10 सेकेंड रख के फिर से स्टर्व निकाल के फिर से स्टर्व करके फिर से 10 सेकेंड रखना है। ये प्रोसीजर माइक्रोवेव का हो गया। और सेकेंड दूसरा तरीका डबल बॉयलर मेथड है। वो किस तरह से करना है मैं आज आपको दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको चाहिए डार्क चॉकलेट, स्पैचुला, मेजरिंग कप, वाटर, बाउल और बर्तन। बर्तन में 2 कप पानी डालना है। अभी मैंने बर्तन में 2 कप पानी डाल दी हूँ, आप देख सकते हो। और पानी इतना ही रहना चाहिए, पूरा भरना नहीं चाहिए। अभी हम इसको गैस पे रखेंगे। मैंने अभी इसको गैस पे रख दी हूँ लो फ्लेम पे। अभी ये बॉईल होने स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो बॉल्स आ गए हैं। अभी इसके ऊपर ये बॉल फिट करना है, पूरी तरह से इस तरह से फिट करना है। और इसके स्टीम को हाथ पे नहीं आना है, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस रहता है, स्किन जलने के चांस रहती है। अभी इसमें हम ये चॉप किए हुए डार्क चॉकलेट डालेंगे। आप देख सकते हो धीरे से मेल्ट होने स्टार्ट हो गया है। अभी ये चॉकलेट मेल्ट करने का यही तरीका है। आप डायरेक्टली गैस पे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही चॉकलेट सेंसिटिव रहता है, चॉकलेट जलने की चांस रहती है। इसीलिए डबल बॉयलर मेथड से ही चॉकलेट मेल्ट किया जाता है, और माइक्रोवेव और ओवन पे ही करते हैं। अभी इतनी आसानी से होने स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो। आप इस चॉकलेट को मेल्ट होने के बाद डेकोरेशन को यूज़ कर सकते हो और चॉकलेट बना सकते हो। इस बाउल में एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए, और स्पैचुला पे भी नहीं रहना है, नहीं तो आपका चॉकलेट सक्सेसफुली नहीं होगा। और जो भी आप डेकोरेशन के लिए यूज़ करोगे वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से ड्राई करके ही आप बाउल और स्पैचुला इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, यूज़फुल है, तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो और बेल बटन ज़रूर क्लिक कर रहिएगा। मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। आप देख सकते हो पूरी तरह से मेल्ट होने का चार स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी मेल्ट हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अभी इसे नीचे उतारेंगे। परफेक्टली मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हो। आप इसे चॉकलेट बनाने को और डेकोरेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।